हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम SPD की जो करंट अफेयर है ना, जो वार्षिकांक 2023 जो पुस्तक है ना, जिसमें अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 के करंट अफेयर हैं, उनके जो 1500 वन लीनियर करंट अफेयर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट टू है। इससे पहले हमने पार्ट वन अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है अभी तक तो आई बटन पर लिंक है, वहाँ पर जाके आप उसे देख सकते हैं। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में 31 अक्टूबर तक के जो वन लीनियर है करंट अफेयर, उसे हमने देख लिया था स्पीडी की। हम यहाँ से 1 नवंबर से शुरू करेंगे। 1 नवंबर 2022 को किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना है जिसके स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, 1 नवंबर 2022 को स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हो गया? जमशेद जे ईरानी, इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, इनका निधन हो गया। ओके, 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया? तो राजस्थान में स्थित है ये मानगढ़ धाम, जिसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने घोषित किया। ओके, नेक्स्ट है, 1 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? उत्तर प्रदेश में है ये रानीपुर टाइगर रिजर्व, और ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया है। ओके, 1 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो पूर्वोत्तर का जो एक्वा पार्क है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। ओके, 1 नवंबर 2022 को 2022 मैक्सिकन फार्मूला वन चैम्पियनशिप किसने जीती है? तो मैक्स वेरस्टैपेन जो है इन्होंने जीता है। ओके, 1 नवंबर 2022 को SCO जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शासन अध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका इसमें प्रतिनिधित्व किया भारत का। ओके, 2 नवंबर 2022 को फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया? तो रणवीर सिंह। ओके, नेक्स्ट है, 2 नवंबर 2022 को किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैगटियन नाम की लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो चीन है इसने ये लॉन्च किया है। ओके, 2 नवंबर 2022 को किस कंपनी ने AI अवतार स्टार्टअप जिसका नाम क्या है अल्टर का अधिग्रहण किया? तो ये गूगल ने इसका अधिग्रहण किया है, AI अवतार स्टार्टअप जिसका नाम क्या है अल्टर। ओके, 2 नवंबर 2022 को किसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया है? तो ये किया गया है SpaceX के द्वारा। ओके, 2 नवंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा है? तो बांग्लादेश की एक ये सम्मान है जिसे एडवर्ड एम कैनेडी को दिया गया है 2 नवंबर को। ओके, UGC ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? तो 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश UGC के द्वारा दिया गया है। ओके, 3 नवंबर 2022 को कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर वन T20 बल्लेबाज बन गया है? तो यह सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट है, 3 नवंबर 2022 को कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है परमा क्राइसिस को। ओके, 3 नवंबर 2022 को किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो ये रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन टाटा स्टील को दिया गया है पहली बार। ओके, तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो ये 3 नवंबर को राज राज चोल जो थे उनकी जयंती मनाने की योजना तमिलनाडु सरकार ने की है। ओके, 4 नवंबर 2022 को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो ये पवन टरबाइन जो है विंड एनर्जी के लिए बनाया गया है, और ये गुजरात में स्थापित किया गया है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ग्रुप के द्वारा। ओके, 4 नवंबर 2022 को किस राज्य में देश का प्रथम मतदाता जो श्याम शरण नेगी थे ये मतदान किया है? तो हिमाचल प्रदेश के ये निवासी थे
श्याम शरण नेगी जी, और ये देश के प्रथम मतदाता भी थे। अब इनकी मृत्यु भी हो गई है। ओके, 4 नवंबर 2022 को किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये है ए सेतु माधवन। ओके, नेक्स्ट है 5 नवंबर 2022 को किस राज्य में के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये लॉन्च किया है। ओके, 5 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेखर पर एक पाठ शामिल किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में जो फातिमा शेखर थी इनकी एक पाठ को इंक्लूड किया है। ओके, 5 नवंबर 2022 को किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो है जेरार्ड पिक। ओके, 5 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया। ओके, 5 नवंबर 2022 को भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता गया है। ओके, 5 नवंबर को ही प्रमुख एडटेक कंपनी इसका नाम क्या है, बायजूज ने किसे एजुकेशनल फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लियोनेल मेसी को इन्होंने अपना ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है बायजू ने। ओके, 5 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो कर्नाटक जो राज्य सरकार है उसने प्रतिदिन 10 मिनट का योग है ना अपने स्कूली छात्रों के लिए अनिवार्य किया है। ओके, 5 नवंबर 2022 को किस फ्रांसीसी सरकार द्वारा किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अरुणा साईराम है जिन्हें सेवेलियर पुरस्कार दिया गया है फ्रांस के द्वारा। ओके, 6 नवंबर 2022 को किस देश ने बैदू उपग्रह नेविगेशनल प्रणाली को लॉन्च किया? तो ये चीन है जिसने इसे लॉन्च किया है। ओके, 6 नवंबर 2022 को नीवा पुपा के बैंक एश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ इन्होंने साझेदारी की है। ओके, नेक्स्ट है 6 नवंबर 2022 को किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका से को से साझेदारी बनाई है? तो पोलैंड। ओके, 6 नवंबर 2022 को MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? तो ये मंगोलिया में। ओके, 6 नवंबर 2022 को UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो यह आधार मित्र। ओके, 7 नवंबर 2022 को किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? तो ये मुंबई है जिसने हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है। ओके, 7 नवंबर 2022 को एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह है सूर्य कुमार यादव। ओके, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो उज्जैन में, जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ पे लगाई जाएगी। ओके, राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ है? तो ये मेघालय में इस फेस्ट को है ना संपन्न किया गया। ओके, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे मोहम्मद इरफान अली। ओके, नेक्स्ट है 7 नवंबर 2022 को किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो है केरल। ओके, 7 नवंबर 2022 को प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ओके, 8 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये YKC वाडियार हैं, इन्हें कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ओके, 8 नवंबर 2022 को मलाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुआ था? तो ये जापान में शुरू हुआ था। ओके, 8 नवंबर 2022 को फॉर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? तो 3 हैं जो भारतीय हैं और इसमें शामिल हैं।
ओके 9 नवंबर 2022 को 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ है। ओके 9 नवंबर 2022 को फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके 9 नवंबर 2022 को पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो यह है केरल। ओके 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया 9 नवंबर को। ओके 9 नवंबर 2022 को किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया? तो ये तमिलनाडु में है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, यहाँ पे ही हाथी दत्तक ग्रहण योजना को अनावरित किया गया। ओके 9 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने इस पारंपरिक जो कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति शुरू की है। 9 नवंबर 2022 को किसे 2022 के लिए बेली के एस्फोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यह डॉक्टर सुभाष बाबू। ओके 9 नवंबर 2022 को कौन सी एयरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो यह स्काईरूट एयरोस्पेस। ओके नेक्स्ट है 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। ओके 10 नवंबर 2022 को किस शहर में पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया गया है? तो यह वडोदरा में। ओके 10 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। ओके नेक्स्ट है 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश की मेजबानी करेगा। ओके 10 नवंबर 2022 को T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह है विराट कोहली। ओके 10 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान दिया जाएगा? तो यह है आरफा खानम। ओके नेक्स्ट है किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया गया। ओके इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने इसे जीता है। ओके 11 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदाता केंद्र कौन सा बना है? तो यह है टसिंगंग। ओके नेक्स्ट 11 नवंबर 2022 को अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य की उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो मैरीलैंड का इनको उपराज्यपाल बनाया गया है अरुणा मिलर को। ओके 11 नवंबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर खिताब जीता है? तो यह होगलर रूने। ओके नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? तो यह स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। ओके 12 नवंबर 2022 को किसे फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफानी और तूफान और तूफानी का शुभारम्भ किया? तो ये किया गया है पीवी सिंधु के द्वारा। ओके 12 नवंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ संस्कृति वन्य जीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कंबोडिया के साथ इसने एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। ओके 12 नवंबर 2022 को किसे यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो यह है बैंकी रामकृष्णन। ओके 12 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया? तो ये बेंगलुरु में अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। 12 नवंबर 2022 को भारतीय मुक्केबाज लवलिन बोरगोहेन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ओके 12 नवंबर 2022 को किसे 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो 32वां माधव आडा को और 31वां मधु कांकरिया को। ओके नेक्स्ट है
13 नवंबर 2022 को जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सी संस्थान शीर्ष पर है? तो आईआईटी बॉम्बे टॉप पे है। ओके, 2024 में कौन सा देश U19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा? तो ये श्रीलंका इसकी मेज़बानी करेगा। ओके, 13 नवंबर 2022 को एशियन एयरगन चैम्पियनशिप में महुली घोष ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ओके, बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन बन गया है? तो बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? भारत है। ओके, 13 नवंबर 2022 को किसे बॉलीवुड अभिनेता ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शाहरुख खान जी को, है ना, जो कि बॉलीवुड अभिनेता हैं, इनको ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, 13 नवंबर 2022 को 2022 के श्री लाल शुल्क स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है जय नंदन। ओके, नेक्स्ट है, 13 नवंबर 2022 को किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो यह झारखंड। ओके, 13 नवंबर 2022 को दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो यह बेंगलुरु में इसे हरी झंडी दिखाई गई है। ओके, 13 नवंबर 2022 को किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्य जीव अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो यह तमिलनाडु। ओके, 13 नवंबर 2022 को किसे ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो यह शिव नारायण चंद्र पॉल। ओके, नेक्स्ट है, 14 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4-स्टार इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो यह भोपाल रेलवे स्टेशन। ओके, कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ब्रिटेन के द्वारा किया जाएगा। ओके, 14 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। ओके, नेक्स्ट है, अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। ओके, 14 नवंबर 2022 को भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये जोधपुर में संपन्न हुआ है। ओके, किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ओके, 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया 15 नवंबर को। ओके, नेक्स्ट है, 15 नवंबर 2022 को ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया है? विराट कोहली तथा सूर्य कुमार यादव को इसमें शामिल किया गया है। ओके, 15 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? तो झारखंड विभाजित हुआ है 15 नवंबर 2000 को, इसलिए 15 नवंबर को झारखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया। ओके, 15 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार कौन सी कंपनी भारत की पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो ये रिलायंस है, तो चेन्नई में पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी। ओके, 15 नवंबर 2022 को स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो यह है नताशा पिर्क मूसर। ओके, नेक्स्ट है, 15 नवंबर 2022 को 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बाली इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। ओके, 15 नवंबर 2022 को वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मेघालय में मनाया गया है। ओके, 15 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये है कार्लोस सौरा, इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। ओके, 16 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क, भारत का स्थान 8वां है, डेनमार्क टॉप पे है। ओके, 16 नवंबर 2022 को किसे किस देश के धावक केनेथ किप्रोप रिंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये केन्या के धावक है और इन पे 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ओके, किस राज्य सरकार ने पीसा कानून लागू किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है अभी हाल ही में। ओके, नेक्स्ट, 16 नवंबर 2022 को किस देश ने पहला विली जीन किंग
कप जीता है, तो ये स्विट्जरलैंड है जिसने ये कप जो है जीता है। ओके, 16 नवंबर 2022 को शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में शिव नरवाल। ओके, 17 नवंबर 2022 को किसने चंद्रमा के लिए एक मिसल पर आर्टिमिस वन रॉकेट लॉन्च किया है, तो नासा के द्वारा ये आर्टिमिस वन रॉकेट लॉन्च किया गया है चंद्रमा के लिए। ओके, नेक्स्ट है 17 नवंबर 2022 को सीईसी राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है, तो ये नेपाल में जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, इनको अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। ओके, 17 नवंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, जो उत्तराखंड की हाईकोर्ट थी उसको नैनीताल से शिफ्ट करके हल्द्वानी ले गया गया है। ओके, नेक्स्ट 17 नवंबर 2022 को ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो यह है शरत कमल। ओके, नेक्स्ट 17 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है, तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बाजरा मिशन शुरुआत की है। ओके, कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है, तो यह है भारत। हमारा भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है कच्चे इस्पात का। ओके, 17 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है शिलोंग में। ओके, 18 नवंबर 2022 को किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है, तो यह भारत, भारत ने ये अवार्ड जीता है। ओके, 18 नवंबर 2022 को यूरोपीय वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है, तो यह है विप्रो। ओके, नेक्स्ट है 18 नवंबर 2022 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन बना है, तो यह होमर। ओके, 2021 में परजीवरेंस था। ओके, 18 नवंबर 2022 को नौवीं नॉर्वे भारतीय संयुक्त कार्य समूह बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, ये बम्बई में की गई थी। ओके, 19 नवंबर 2022 को किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एथलीट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया, तो ये तमिलनाडु ने ये ऑडिट पेश किया। ओके, 19 नवंबर 2022 को भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है, तो लायंस नायक मंजू है जो ये स्काई ड्राइवर है ना, पहली महिला भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये त्रिपुरा की राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है। ओके, 19 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ धोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में धोनी पोलो एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। 19 नवंबर 2022 को सबसे कम उम्र में विश्व नंबर वन ATP खिलाड़ी कौन बने हैं, तो यह कार्लोस अल्कराज। ओके, नेक्स्ट है 20 नवंबर 2022 को भारत के 15वें एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 25 स्वर्ण पदक जीता गया है 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है 20 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 600 मेगावाट की कामेंग जलवायु जल विद्युत परियोजना समर्पित की है, तो अरुणाचल प्रदेश में है 600 मेगावाट की कामेंग जल विद्युत परियोजना जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। ओके, 20 नवंबर 2022 को मनिका बत्रा ने एशियाई कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, 20 नवंबर 2022 को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, तो पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है जो हमारे जनरल मनोज पांडे हैं उनको, पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। 20 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है, तो पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने ये उत्खनन की अनुमति दी है। ओके, 20 नवंबर 2022 को 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ है, तो ये कतर में हुआ है। ओके, 21 नवंबर 2022 को 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो ये गोवा में शुरू हुआ है। ओके, 21 नवंबर 2022 को गांधी मंडला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो दलाई लामा जी हैं जिनको
इससे सम्मानित किया गया है। ओके, 21 नवंबर 2022 को किसे 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो खालिद जावेद जी को JCB साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है 21 नवंबर 2022 को। 21 नवंबर 2022 को किसने छठा ATP फाइनल्स खिताब जीता है? तो है नोवाक जोकोविच। ओके, 21 नवंबर 2022 को किस देश ने वांसोंग 17 या मोस्टर मिसाइल लॉन्च किया है? तो उत्तर कोरिया के द्वारा इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट है 21 नवंबर 2022 को जारी नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका है, भारत का स्थान 61 है। ओके, नेक्स्ट 21 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो ओडिशा है, ओडिशा ने इसकी शुरुआत की है। 22 नवंबर 2022 को किस राज्य की क्रिकेट वाधी टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है? तो हरियाणा की है, है ना, क्रिकेट वाधी टीम जिसने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीता है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO कौन बने हैं? तो यह है विनीत कुमार। ओके, 22 नवंबर 2022 को किसे जयपुर फूट USA का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह दानिश मंजूर। ओके, नेक्स्ट है 22 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच में नसीम अल बहार अभ्यास शुरू हुआ है? तो ओमान और भारत के बीच में ये अभ्यास शुरू किया गया है। ओके, 22 नवंबर 2022 को किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो चिरंजीवी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, किसे सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह उमा शर्मा। ओके, 22 नवंबर 2022 को किस देश ने के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? तो न्यूजीलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 16 साल के बाद पर्सन वोट कर सकता है। ओके, 22 नवंबर 2022 को कासिम जिमार्ट टोकायो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो एक कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ये बने हैं। ओके, 22 नवंबर 2022 को ऑनलाइन फैंटेसी मैच रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं कुलदीप यादव जी। ओके, 22 नवंबर 2022 को भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये राजस्थान में आयोजित किया गया। 22 नवंबर 2022 को किसे किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो हरियाणा की जो टीम है इसने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ओके, 23 नवंबर 2022 को किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो है रवि कुमार सागर। ओके, 23 नवंबर 2022 को कौन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं? तो है हरकीरत सिंह जी। ओके, नेक्स्ट है 23 नवंबर 2022 को अनामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ जंबो टेलर्स लॉन्च किया है? तो ये कोयम्बतूर में ये लॉन्च किया गया है। ओके, भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो रूस के द्वारा सबसे ज़्यादा हमें अभी उर्वरक दी जा रही है। ओके, 23 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 8वां स्थान भारत का रहा, टॉप पे डेनमार्क रहा है। ओके, 23 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया? तो ये नागपुर में किया गया है। ओके, 23 नवंबर 2022 को किसने यूनेस्को इंडिया अफ्रीकन हैकाथन का शुभारंभ किया? तो ये योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ओके, 23 नवंबर 2022 को कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये चीन के साथ सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया गया है। ओके, 24 नवंबर 2022 को यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो ये रूस को घोषित किया गया है यूरोपीय संसद के द्वारा। 24 नवंबर 2022 को ओरेटा पट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य के पहला जैव विविधता विरासत स्थल बने हैं? तो ये तमिलनाडु के
जैव विविधता विरासत स्थल बने हैं। ओके, 24 नवंबर 2022 को किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। 24 नवंबर 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो यह पूर्णिमा देवी बर्मन जी हैं। ओके, नेक्स्ट 24 नवंबर 2022 को जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये MIT है, जो अमेरिका की कंपनी, अमेरिका की एक इंस्टीट्यूट है, ये टॉप पे रही है। ओके, मूंगफली महोत्सव कडले काई परी से कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कर्नाटक में शुरू हुआ है। ओके, 24 नवंबर 2022 को भारत ने कहाँ से Agni-3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये ओडिशा से DRDO ने Agni-3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ओके, नेक्स्ट है संघाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये मणिपुर में शुरू हुआ है। ओके, 24 नवंबर 2022 को कहाँ कि उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल ने सोनजल 2022, जो कि युवा उत्सव है, वार्षिक युवा उत्सव, इसका शुभारंभ किया। 25 नवंबर 2022 को कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो रोनाल्डो हैं। ओके, फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये राजेंद्र पवार को दिया गया है। 25 नवंबर 2022 को किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो यह वी अन्ना मलाई जी। 25 नवंबर 2022 को सूचना अनुसार भारत की पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो उदयपुर राजस्थान पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। ओके, 25 नवंबर 2022 को किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र का गांव है, इसका नाम बदल कर राहुल नगर कर दिया गया है। ओके, विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ वंशज और देविका ने कौन सा पदक जीता है? तो दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। ओके, 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ हर घर जल परियोजना का प्रथम चरण का शुभारंभ किया? तो प्रथम चरण का शुभारंभ राजगीर में किया गया 27 नवंबर 2022 को। 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। 27 नवंबर 2022 को 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने प्रसाद DI पुरस्कार जीता है? तो ये बांग्लादेशी फिल्म है आगंतुक, जिसने ये प्रसाद DI पुरस्कार जीता है। ओके, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। ओके, नेक्स्ट 27 नवंबर 2022 को किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है? तो ये तमिलनाडु है, जिसको पहला अपना जैव विविधता विरासत प्रदान किया गया 27 नवंबर 2022 को। 28 नवंबर 2022 को किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमय शक्ति 2022 शुरू किया गया? तो ये भारत और मलेशिया के बीच में ये अभ्यास देखने को मिला। 28 नवंबर 2022 को किस हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये बांग्लादेश में आयोजित की गई। 28 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये दीपा मलिक हैं, जो TV जो अवेयरनेस है, TV के लिए जो अवेयरनेस है, उसके लिए निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दीपा मलिक को। ऑस्ट्रेलिया को हराकर किसने पहला डेविस कप जीता है? तो कनाडा ने अपना पहला डेविस कप ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता है। ओके, 28 नवंबर 2022 को भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित की है? तो अंडमान और निकोबार में ये आयोजित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है 28 नवंबर 2022 को अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो ये गुजरात ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। 29 नवंबर 2022 की सूचना अनुसार किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मौजूदा मसौदा तैयार किया है? तो उत्तर प्रदेश है। ओके, 29 नवंबर 2022 को WHO में ने
मॉन्की पॉक्स का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो ये एम पॉक्स कर दिया गया है मॉन्की पॉक्स का नाम बदल के। 29 नवंबर 2022 को विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए हैं? तो ये महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, उन्होंने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए हैं। 29 नवंबर 2022 को किस देश की स्टेफनी प्रॉपार्ट पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी हैं? ये फ्रांस की हैं। और ये 29 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थापित किया जा रहा है। 29 नवंबर 2022 को किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो है संजीव बाल्यान। ओके, नेक्स्ट 30 नवंबर पत्रकारिता के उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथम राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है विष्णु त्रिपाठी जी। ओके, 30 नवंबर 2022 को ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये तमिलनाडु बन गया है। ओके, 30 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये पीटी उषा है, जो ये पहली भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। एयर शो एयरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। ओके, 30 नवंबर 2022 को भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितनी हो गई है? तो ये 97 हो गई है, 97। ओके, नेक्स्ट है 30 नवंबर 2022 को मेरियर वेबस्टर ने किसे 2022 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये गैस लाइटिंग। 2021 में क्या था? वैक्सीन था। 30 नवंबर 2022 को किस देश की फिल्म नरगिसी ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? तो ईरान की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है ना जो है, इसने ये ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गोवा में आयोजित किया गया। ओके, 30 नवंबर 2022 को किसे पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ये अवनी लेखरा जी। ओके, नेक्स्ट है 30 नवंबर 2022 को किसने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 7वें संस्करण का को संबोधित किया? तो ये एस जयशंकर जी ने इसे संबोधित किया। ओके, 30 नवंबर 2022 को भारत ने किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की? तो ये मालदीव को है ना 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।